Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड फर्नीचर आइटम्स के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा रोड साइंस के बारे में, क्रैश बैरियर जिसे हम सेफ्टी बैरियर भी बोलते हैं उसे भी हमने देखा, लाइट एंड यूटिलिटी पोल्स, गाइड पोस्ट जैसे फर्नीचर आइटम्स के बारे में अभी तक हमने बात कर लिया। आज के वीडियो में भी हम अलग अलग और भी फर्नीचर आइटम्स के बारे में देखेंगे और उनका देखेंगे कि क्या क्या पर्पस है, किस तरीके से ये फर्नीचर आइटम्स हेल्पफुल होते हैं ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, वार्निंग एंड रूल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन किस तरीके से ये प्रोवाइड करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए कि सिविल गुरुजी लेके आया है एक नया चैनल जो आपको पर्टिकुलरली हाईवे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सारी जानकारी देगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, वहां जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्किल्स और नॉलेज को इन्हेंस करिए। अब आते हैं अगले फर्नीचर आइटम की ओर जो कि है बाउंड्री फेंसेस। बाउंड्री फेंसेस क्यों यूज किया जाता है? तो बाउंड्री फेंसेस एक तरीके से प्रॉपर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ये किसका प्रॉपर्टी लाइन डिसाइड करता है? तो ये प्रॉपर्टी लाइन प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो राइट ऑफ वे, जो रोडवे का राइट ऑफ वे है, वो दोनों में डिफरेंशिएट करने का काम करता है ये प्रॉपर्टी लाइन। तो इसलिए बाउंड्री फेंसेस का यूज किया जाता है। ये एक तरह का बैरियर या डिवाइडर क्रिएट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर्स। इट कंसिस्ट ऑफ बैरियर और डिवाइडर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द हाईवे डिलाइनेटिंग प्रॉपर्टी लाइन बिटवीन द रोड राइट ऑफ वे एंड एडजेसेंट प्राइवेट लैंड। एक तरीके से प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के बीच में बैरियर का काम, डिवाइडर का काम करता है। अब देखते हैं बाउंड्री फेंसेस के बारे में कि किस तरीके से बाउंड्री फेंसेस होते हैं और इस बाउंड्री फेंसेस के किस तरीके के पोस्ट होते हैं। तो ये जो बाउंड्री फेंसेस होते हैं ये अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो जीआई वायर का यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर्स हम यूज करते हैं जिसे बाब्ड वायर भी बोला जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये बाब्ड वायर फेंसिंग है और इसका जो पोस्ट है, पोस्ट इसको बोला जाता है जिसके जरिए ये फेंसिंग को इरेक्ट किया जाता है। तो ये जो पोस्ट होता है ये पोस्ट या तो वुडन मटेरियल का हो सकता है या तो स्टील या कंक्रीट का हो सकता है और इसमें जो हम फेंसिंग प्रोवाइड करते हैं वो फेंसिंग भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसा कि आप जो पहला पिक्चर देख रहे हैं वो पहले पिक्चर में आपको चेन लिंक फेंसिंग बताई गई है और जो दूसरा पिक्चर है उसमें आपको बाब्ड वायर फेंसिंग बताया गया है और इसी तरीके से प्लेन वायर फेंसिंग भी किया जाता है। तो ये हो गया बाउंड्री फेंसेस के बारे में। अब आते हैं अगले फर्नीचर आइटम में जो कि है रेस्ड रोड मार्कर। तो रेस्ड रोड मार्कर जो होता है इसका यूज लो लाइट कंडीशन, ऐसे रोड जहां पे लाइटिंग की सुविधा नहीं है, वैसे केसेस में यूज किया जाता है रेस्ड रोड मार्कर। इसमें क्या होता है कि जो व्हीकल का हेडलाइट होता है जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो ये जो रोड मार्कर्स होते हैं ये इल्यूमिनेट करने लगते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है पाथ को डिसाइड करने के लिए कि इस पाथ में रोड का जो चेनेज है वो गया हुआ है। रेस्ड पेवमेंट मार्कर के और भी नाम है जिसे हम रोड स्टड के नाम से भी जानते हैं, कैट आई के भी नाम से जानते हैं। तो ये सारे अलग अलग नाम है। ये जो रोड मार्कर होते हैं इसमें पहले से ही इल्यूमिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है या फिर ये बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन काम करते हैं, दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है। इसका एक और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में अगले स्लाइड में बात करेंगे। तो ये जो रोड मार्कर्स होते हैं ये अलर्ट करते हैं ड्राइवर्स को, अगर कोई भी ड्राइवर स्पीड में गाड़ी लेके जा रहा है
और एक लेन से दूसरे लेन में वो चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली हाई स्पीड में, तो ऐसे केसेस में ये जो रोड मार्कर होते हैं ये लाउड नॉइस प्रोड्यूस करते हैं और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जब भी ये व्हीकल के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो ऐसे में ड्राइवर को पता चल जाता है, ड्राइवर अलर्ट हो जाता है कि वो एक लेन से दूसरे लेन की ओर जा चुका है और वो गलत लेन में चला गया है। अब आते हैं अगले फर्नीचर आइटम में जो कि है ट्रैफिक कोन। ट्रैफिक कोन आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का हाईवे में, तो ये ट्रैफिक कोन जो होते हैं ये कोन शेप्ड मार्कर होते हैं जिनको प्लेस किया जाता है रोड या फुटपाथ पे। इनका काम होता है ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना। ये टेम्पररी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है कहीं पे, अगर कोई भी साइट अंडर वर्क है तो वैसे केसेस में ये बैरिकेड का काम करता है और ये टेम्पररी रीडायरेक्ट करता है ट्रैफिक को इन अ सेफ मैनर। और ट्रैफिक कोन का एक तरीके से और यूज हो सकता है, ये ट्रैफिक कोन्स में हम क्या करते हैं, कॉशन के साइंस को इसमें हम लगा देते हैं। कॉशन साइन इसमें क्लियरली विजिबल रहता है और स्ट्रिप्स के फॉर्म में यहाँ पे हम कॉशन साइंस को लगा देते हैं। ये कोन्स क्या करता है कि कॉशन साइन को क्लियरली विजिबल करवाता है, ये वार्निंग को क्लियरली प्रोवाइड करवाता है ट्रैफिक को, जिसकी वजह से कोई भी मिसहैपनिंग या एक्सीडेंट्स के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। अब आते हैं अगले फर्नीचर आइटम में जो कि है पोर्टेबल बैरिकेड। पोर्टेबल बैरिकेड यानी ऐसे बैरिकेड जो हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। पोर्टेबल बैरिकेड भी यूज किए जाते हैं। पोर्टेबल बैरिकेड एक तरह का टेम्पररी बैरिकेड होता है, एक परमानेंट बैरिकेड भी होता है जिसे हम परमानेंटली किसी भी जगह पे लगाते हैं। ये जो पोर्टेबल बैरिकेड्स होते हैं ये क्राउड कंट्रोल यानी कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं। पोर्टेबल बैरिकेड्स आर पैनल एंड रेलिंग दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। ये क्या करता है, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक के फ्लो को डायरेक्ट करता है और ऐसी जगह के एक्सेस को ब्लॉक कर देता है जो हजार्डस एरिया है या फिर वो एरिया प्राइवेट है। तो इस तरीके से पोर्टेबल बैरिकेड का यूज किया जाता है। ये पैनल्स और रेलिंग के फॉर्म में होता है जिसके नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम है पोर्टेबल बैरिकेड। अब आते हैं अगले फर्नीचर आइटम में जो कि है सोलर ब्लिंकर लाइट। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है रोड के इंटरसेक्शंस में, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग में और अलग अलग लोकेशन में जहाँ पे हमको ट्रैफिक के फ्लो को रेगुलेट या कंट्रोल करना चाहिए। तो सोलर ब्लिंकर लाइट में किस तरीके के लाइट्स यूज किए जाते हैं, तो LED बेस्ड सिग्नल लाइट का इसमें यूज किया जाता है और ये जो लाइट रहता है ये मेंटेनेंस फ्री रहता है, इको फ्रेंडली रहता है क्योंकि इसमें हम सोलर पावर से इसको हम ऑपरेट करते हैं और इसमें किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का यूज नहीं किया गया है। तो आज के वीडियो में हमने अलग अलग फर्नीचर आइटम्स के बारे में बात किया, जैसा कि फेंसिंग हो गया, उसके यूज के बारे में बात किया कि वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ट्रैफिक कोन्स के बारे में और उसके पर्पस को जाना, फिर हमने देखा पोर्टेबल बैरिकेड के बारे में और सोलर ब्लिंकर लाइट के बारे में, हमने देखा रेस्ट पेवमेंट के बारे में और उसके पर्पस और उसके टाइप्स के बारे में हमने जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी। एक खास ऑफर के साथ पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।